नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। डबरा सुभाषगंज क्षेत्र में स्थित साहू समाज की धर्मशाला हरिलाल साहू धर्मशाला ट्रस्ट की नवीन और आधुनिक भवन का लोकार्पण कार्यक्रम 9 मार्च मंगलवार के दिन किया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने बताया कि इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ के प्रहलाद भाई मोदी और राम नारायण साहू बाबूजी पूर्व सांसद और राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष साहू राठौर महासभा अपने कर कमलों से फीता काटकर शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम शाम 4 बजे से सुभाषगंज स्थित साहू धर्मशाला पर ही आयोजित किया जाएगा। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने बताया कि इस धर्मशाला से जो भी आमदनी होगी वो गरीब कन्याओं के विवाह और गरीब परिवार के युवाओं की पढ़ाई पर खर्च की जाएगी, जिससे समाज को नई दशा और दिशा मिल सके। क्या कुछ कहा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू ने, आपको सुनाते हैं। जब साहू धर्मशाला समाज में बनाई गई है, इसका उद्घाटन 9 तारीख को किया जा रहा है, कौन आने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा है? इस नवीन आधुनिक भव्य धर्मशाला का उद्घाटन माननीय प्रहलाद भाई मोदी जी, जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के छोटे भाई हैं और विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ये मुख्य अतिथि रहेंगे। और साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री रामनारायण साहू जी, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष भारतीय तेली साहू राठौर महासभा पूर्व सांसद भी उपस्थित रहेंगे। इनके कर कमलों से नवीन धर्मशाला का उद्घाटन किया जा रहा है और इस नवीन आधुनिक धर्मशाला के निर्माण का मुख्य उद्देश्य, इसकी जो आमदनी है, इनकम है, इससे गरीब बच्चियों की शादियां और जो उच्च बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रामीण अंचल से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से उनके परिवार कमजोर हैं, उनको हम सीधे स्कूल के कॉलेज की को हम सीधे फीस देंगे और उनकी शिक्षा और हॉस्टल का पूरा अरेंजमेंट करेंगे। क्या माना जाए साहू समाज के लिए, गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी हित में ये धर्मशाला काम करेगी? नहीं, ये उनके मुंह में जीरा है, पर एक एक प्राथमिक प्राथमिकता है ये हमारी कि हमारा समाज शिक्षित हो, उसके लिए एक अभी प्रथम सीढ़ी है जो कि प्रयासरत है कि हमारा समाज शिक्षा के रूप में आगे बढ़े, क्योंकि अभी व्यापारिक क्षेत्र में सर्वोच्च रहा है, हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वोच्च रहे और हिंदुस्तान में IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर्स जाना जाना बने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और तभी करेंगे जब उनको सब सुविधाएं प्राप्त होंगी।